प्यारा बच्चों, जेई मेंस 2023 का 25 जनवरी का मॉर्निंग शिफ्ट का एक सवाल है, पैराबोला का टेंजेंसी पर बेस्ड सवाल है। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 6 कॉमा माइनस 2 रूट 2 फ्रॉम द कॉमन टेंजेंट वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एम ग्रेटर देन 0 ऑफ द कर्व्स एक्स इक्वल टू 2 वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर। यानी दो पैराबोला दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है पैराबोला का, आपको पता भी है, उसको रिविजन कर लेते हैं। क्वेश्चन रिविजन क्या है या आपका कॉन्सेप्ट क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 ax अगर पैराबोला होगा, इसके लिए जो टेंजेंट लिखेंगे वो हो जाएगा वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। और अगर पैराबोला शिफ्टेड है, y माइनस बीटा होल स्क्वायर, बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 ax माइनस अल्फा, इसका वर्टेक्स अल्फा और बीटा पर शिफ्ट है, तो टेंजेंट भी अल्फा और बीटा पर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो y माइनस बीटा इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस अल्फा प्लस ए बाई एम। अब ये दोनों टेंजेंट जो है कंडीशन आपको याद रखना है, तो इसी कॉन्सेप्ट को यहां पर मैं यूज करेंगे। जैसे पहला पैराबोला है x इक्वल टू 2 वाई स्क्वायर, यानी y स्क्वायर इक्वल टू x बाई टू, तो यहाँ पर मैं 4a का वैल्यू 1/2 है, तो a का वैल्यू कितना हो गया 1/8, तो इसके लिए टेंजेंट लिखेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए, यानी 1/8 m, इसको फर्स्ट नंबर इक्वेशन। इसी तरह से दूसरा पैराबोला है वो आपके पास में है x इक्वल टू 1 प्लस y स्क्वायर, यानी y स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 1, ठीक है ना। तो इसके लिए जब टेंजेंसी लिखेंगे तो इसके लिए सेम m स्लोप का टेंजेंसी हो जाएगा m x माइनस 1, क्योंकि ये पैराबोला शिफ्ट हो गया x माइनस 1 पर, तो आप इसको लिखोगे m इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 4a इक्वल टू 1 है, तो 1/4 m। अब ये दोनों इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि सेम ही टेंजेंट है, कॉमन टेंजेंट है। तो इसमें जो कोफिशियंट को इक्वेट करेंगे तो वाई और वाई सेम है, एम एक्स भी सेम है, तो जो कांस्टेंट टर्म है यहां पर में, ये और ये दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो कॉन्स्टेंट को इक्वेट कर देंगे 1/8 m, ये माइनस एम प्लस 1/4 m। यहां से जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो आपको मिल जाएगा माइनस 1/8 m इक्वल टू माइनस एम, तो सॉल्व करेंगे 8 m² इक्वल टू 1, तो m इक्वल टू पॉजिटिव वाला लेना है, तो पॉजिटिव वाला में 2√2, क्योंकि क्वेश्चन में m क्या दिया हुआ है, ग्रेटर देन 0। तो वापस जो आपको टेंजेंट मिल जाएगा वो हो जाएगा y इक्वल टू 1/2√2x प्लस 2√2/8। जब इसको एलसीएम लेंगे तो आपको हो जाएगा 8y माइनस 2√2x प्लस 2√2 इक्वल टू 0। ये आपके पास में क्या हो गया, टेंजेंट हो गया। अब इस टेंजेंट का डिस्टेंस निकालना है कौन सा पॉइंट से, 6 कॉमा माइनस 2√2 से। और डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला सबको पता है, आप डायरेक्टली लिखोगे, जैसे यहां पर मैं -2√2 × x, यानी -12√2, -2√2 × 8, यानी -16√2, और यहां पर मैं आ जाएगा प्लस, और यहां पर मैं आपके पास में ये प्लस वाला इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस, इधर जाएगा तो माइनस होगा, -2√2/√64 + 2√2² 8। इसको जब सॉल्व करेंगे आपके पास में तो आपके पास में आ जाएगा 30√2/30√2/6√2, यानी 5। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा 5। और इस तरह से इस क्वेश्चन को